हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो सर्दियों का मौसम आ गया है और मैंने अपनी बेबी का क्लोजेट अपग्रेड कर दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आपको आइडिया भी मिल सके कि आपको अपनी बेबी के लिए विंटर वेयर कहाँ से लेना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत आइडिया एक रेफरेंस के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो भी ब्रांड्स हैं वो बेबी हग के हैं, कुछ ओम्स के हैं, तो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगी कौन से किस ब्रांड के हैं। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पे कोई भी सेट्स में नहीं आए थे कपड़े। मतलब कुछ मैंने स्वेटशर्ट्स ऑर्डर किए थे, कुछ टॉप्स किए थे, और उसके मैचिंग का मैंने पजामाज ऑर्डर किया था। अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ दीज क्लॉथ्स आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द साइजेस, तो आप उन्हें अपनी बेबी के साइज के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट स्वेटशर्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो बॉटल ग्रीन में है, वो ये स्वेटशर्ट है। तो ये स्वेटशर्ट काफ़ी, इसका कलर जो है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे बॉटल ग्रीन में। और अगर आप देखेंगे जो प्रिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, वो थोड़ा ग्लिटरी फॉर्मेट में है, और उसके आसपास काफ़ी अच्छा फ्लोरल डिज़ाइन है जो कि काफ़ी गर्लिश लुक देता है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 550 रुपीज़ में मिला था, विच इज़ क्वाइट अ डिसेंट अमाउंट। और इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा है, जैसे नॉर्मल एक स्वेटशर्ट होता है, और बेबी के हिसाब से इसका जो अपर पार्ट है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। वेस्ट में यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है और दोनों स्लीव्स भी इलास्टिक लगी हुई है। जो सेकंड स्वेटशर्ट मैंने ऑर्डर किया है वो ये ब्लू कलर में है। अगर आप इसकी प्रिंट की बात करें तो काफ़ी विंटर अप्रोप्रिएट है, स्नोई है, और इसका जो कलर है वो भी थोड़ा पेस्टल कलर में है, तो ये ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दोनों स्वेटशर्ट बेबी हग ब्रांड के हैं, और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये मुझे 484 रुपीज़ में मिला था। अब जो नेक्स्ट स्वेटशर्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूं वो ये ब्राउन कलर में है। इसको मैंने इसलिए परचेस किया था क्योंकि इसके स्लीव्स के पैटर्न को अगर आप देखें तो ये नॉर्मल स्वेटशर्ट से थोड़ा हटके है, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा गर्लिश लुक दे रहा था। और अगर आप इसकी प्रिंट को भी देखें तो रेनबो, एंड जो कोट लिखा है रेनबो मेक्स मी हैप्पी, सो ये काफ़ी अच्छा लगा। ये बेबी हग ब्रांड का है एंड ये मुझे मिला था अराउंड 528 रुपीज़ में, विच इज़ अगेन क्वाइट अ डिसेंट अमाउंट। जो थर्ड स्वेटशर्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये है, विच इज़ इन मल्टी कलर। ऊपर में ऑफ वाइट है, उसके बाद पिंक है, एंड देन येलो कलर है। इसकी अच्छी बात ये है कि ये थोड़ा सा पार्टी अप्रोप्रिएट लगा मुझे, और इसका जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो आप देखेंगे वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इनफैक्ट जो मैंने फर्स्ट टू स्वेटशर्ट आपको दिखाया था बॉटल ग्रीन और ये ब्लू कलर में, उन दोनों से ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल इन दोनों का है। अगर ब्रांड की बात करें तो ये सारे ही बेबी हग ब्रांड के हैं, बट जो फर्स्ट टू स्वेटशर्ट मैंने आपको दिखाया था उनका मटेरियल और ये जो लास्ट में दो स्वेटशर्ट दिखाया था, इनके मटेरियल में डिफरेंस है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये मुझे कंपेरेटिवली थोड़ा सा हायर प्राइस रेंज में मिला था। ये मुझे 660 रुपीज़ में मिला, बट ये क्योंकि पार्टी अप्रोप्रिएट है और काफ़ी अच्छा थोड़ा अलग लुक में है, तो आई थिंक इट्स फाइन। जो नेक्स्ट स्वेटशर्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो भी मुझे थोड़ा पार्टी अप्रोप्रिएट मिला, एंड वो ये अगेन पेस्टल कलर में है। इसमें 3 कलर्स है, ऊपर बेबी पिंक है और बीच में वाइट है, एंड नीचे ब्लू कलर है, और यहाँ पे ये जो डांस लिखा हुआ है ये थोड़ा सा शाइनी मटेरियल में है, ये अलग अलग एंगल से थोड़ा सा शाइन कर रहा है, थोड़ा डिफरेंट रेनबो कलर दे रहा है। इसके मटेरियल की बात करूँ तो अगेन ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड दिस इज़ अगेन फ्रॉम द बेबी हग ब्रांड। इसके बाद जो मैंने एक टॉप ऑर्डर किया था वो स्वेटशर्ट नहीं है, वो नॉर्मल कॉटन का टॉप है फुल स्लीव्स का, जो कि कभी थोड़ा सा कम ठंड हो तो उस टाइम पे मैं इसे अरिका को पहनाऊंगी। तो इसमें अगर आप देखें तो ये पिंक कलर का बेस है और इसमें डायनासोर्स बने हुए हैं जो कि ब्लू कलर, पर्पल कलर और थोड़ा डार्क पिंक कलर में है।
इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट इसे खरीदने का मेरा एक ही इंटेंशन था कि हमेशा बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो जिस दिन कम ठंड हो या दोपहर के टाइम आपको लगे कि स्वेटशर्ट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस टाइम पे आपको ऐसे कपड़े रखने चाहिए। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये मुझे 363 रुपीज़ में मिला, जो कि बहुत ही कम है, और जिस हिसाब से इसका मटेरियल है उस हिसाब से ये वर्थ द प्राइस है। कॉटन वेयर में ही मैंने दो और ड्रेसेस लिए हैं एरिका के लिए, ये मैंने लोकल शॉप से लिया है अराउंड 350 रुपीज़ में, और इसका कारण भी वही है कि ये फुल स्लीव्स है, थोड़ा थिक कॉटन है, तो विंटर्स के टाइम पे दोपहर में ये पहनाने के लिए काफ़ी अच्छा है। जो सेकंड मैंने लिया है वो ये है वाइट कलर में, और अगेन ये भी काफ़ी सॉफ्ट कॉटन में है बट फुल स्लीव्स है, तो सेम पर्पज़ के लिए है, और इन दोनों को ही मैं अरिका के जो एग्जिस्टिंग वाइट फुटीज़ है उसके साथ पेयर अप करने वाली हूँ। सो दैट्स इट फॉर द टॉप वेयर्स। अब बारी आती है बॉटम वेयर की, तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि मैंने किसके साथ कौन कौन से बॉटम वेयर लिए हैं और वो सेट कैसा बनकर दिख रहा है। तो जो फर्स्ट बॉटम वेयर है वो ये ब्लू कलर में है, ये बेबी हग ब्रांड का है, और इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 400 रुपीज़ में है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा थिक मटेरियल है, एट द सेम टाइम ये काफ़ी सॉफ्ट है। इस पे जो आप प्रिंट्स देख रहे हैं वो गोल्डन कलर में है, और जो कि इसे बहुत ही पार्टी वेयर लुक दे रहा है, एंड आई थिंक इसी वजह से इसका प्राइस थोड़ा हायर साइड में है। इसे मैं पेयरअप करने वाली हूँ इस स्वेटशर्ट के साथ, लेकिन इसे मैं और भी दूसरे स्वेटशर्ट्स के साथ पेयरअप करूँगी, तो पहला है ये, सेकंड है ये वाला स्वेटशर्ट, और थर्ड इस टॉप के साथ भी ये काफ़ी अच्छे से जाएगा। अब जो नेक्स्ट बॉटम वेयर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो एक सेट में मिला था, तो एक सेट में मैंने दो बॉटम वेयर लिए थे एंड ये मुझे मिला था 400 रुपीज़ में। ये इसकी मटेरियल की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है बट काफ़ी सॉफ्ट है, और ये आप समर में भी यूज़ कर सकते हैं और विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये क्यों लिया था, किसके साथ पेयरअप करने के लिए लिया था। ये जो पिंक कलर में ट्राउज़र है ये मैंने मेनली इस स्वेटशर्ट के लिए ऑर्डर किया था, बट आई थिंक ये इसके साथ भी काफ़ी अच्छे से जा रहा है। और ये जो स्वेटशर्ट बॉटल ग्रीन कलर में है ये इसके साथ भी काफ़ी अच्छे से जा रहा है, क्योंकि वो उसके फ्लोरल प्रिंट के साथ मैच कर रहा है। मेनली मुझे वो पिंक कलर का पजामा चाहिए था, बट उसके साथ क्योंकि ये सेट में आ रहा था तो मैंने सोचा एक्स्ट्रा बॉटम वेयर वैसे भी चाहिए होता है, और ये इस पिंक कलर के टॉप के साथ काफ़ी अच्छे से मैच भी कर रहा था, तो मैं मिक्स एंड मैच करके अरिका को ये पहनाने वाली हूँ। नेक्स्ट मैंने ये बॉटम वेयर लिया है अरिका के लिए, जो कि मुझे 240 रुपीज़ में मिला, और इसके साइज़ की बात करूँ तो ये मुझे लग रहा है बाकी के बॉटम वेयर के कंपेरिजन में थोड़ा सा छोटा साइज़ है, बट हाँ 10 and a half months में ये आराम से आ जाएगा। ये मेनली मैंने इस टॉप के साथ पेयरअप करने के लिए लिया था, क्योंकि ये इसके ब्लू कलर के डायनासोर के साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा है। जो नेक्स्ट बॉटम वेयर मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो रेड कलर में है, जो कि मुझे 179 रुपीज़ में मिला है, और पहले भी मैंने अरिका को इसके इसी सीरीज़ के बॉटम वेयर्स को पहनाया है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसका मटेरियल, इसलिए मैंने इसे रीऑर्डर किया है। ये बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल में नहीं है, अगेन आप इसे समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस बार मैंने ये ऑर्डर किया है इस स्वेटशर्ट के साथ पेयरअप करने के लिए। जो नेक्स्ट बॉटम वेयर मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो एक सेट का बॉटम वेयर है, ये सेट मुझे 322 रुपीज़ में मिला है, लेकिन ये बेबी हग ब्रांड का नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड OHMS, बट आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दिस पेयर ऑफ बॉटम वेयर, क्योंकि इट्स नॉट ट्रू टू इट्स साइज़। ये मुझे लग रहा है कि मैंने जो 9 to 12 months के हिसाब से मंगवाया है ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा है, तो मैं इसे एक्सचेंज करके अरिका के लिए एक साइज़ अप करके मंगवाने वाली हूँ। ये मैंने किसी के मैचिंग के लिए नहीं मंगवाया था, ये मैंने बस एक्स्ट्रा के लिए मंगवाया है, जस्ट बिकॉज विंटर में आपको थोड़ा लगता है कभी कुछ गीला हो गया, या उस हिसाब से फुटीज़ के हिसाब से कभी पहनाना हो तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसे एक्सचेंज करके एक साइज़ अप करके मंगवाऊँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।